चाय लीजिए। हाँ माँ। माँ क्या हुआ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मेरी बैंक की पासबुक भूल गई थी, वो ही लेने के लिए आई हूँ। दीदी भाई, तेरा प्लास्टर काट दिया? हाँ, लेकिन साइकिल चलाने को मना किया है, इसलिए भैरव भैया ही मुझे दुकान से घर और घर से दुकान ले आते हैं। अरे भैरव भैया और मैं तुम्हारे वहाँ जाने की बात ही कर रहे थे। वो जो पिछले महीने की मेरे वेतन है ना, वो सिर्फ तुम्हें ही देंगे भैरव भैया। चलो माँ, मुझे बैंक की पासबुक निकाल दो, मुझे जल्दी जाना है। अभी तो आए हो, अभी जाना है क्या? पिताजी को बुला देती हूँ, रुक थोड़ी देर, दोपहर का खाना भी खा के जाना। नहीं माँ। दीदी तू एक काम कर, भैरव भैया तुझे घर छोड़ेंगे और मैं रिक्शा लेके जाता हूँ, मुझे सामान भी खरीदना है, एक साथ हो जाएगा। तो फिर चल रेनुका, रोटी बना देती हूँ, तू भी खा ले, हेड़प को भी दे दे। नहीं माँ, मुझे जल्दी जाना है। मुझे यही उतार दीजिए। क्यों, क्या हुआ, यहाँ क्यों? आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है, भैया भाभी देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे। क्यों बुरा मानेंगे? आप सब कुछ समझकर भी क्यों अनजान बन रहे हैं? आपको मालूम नहीं है क्या, मैं एक विधवा हूँ और एक विधवा को किसी भी दूसरे इंसान के साथ अगर एक साथ देख लिया तो समाज नाना तरीके की बातें निकालेंगे, इसलिए मैं चलती हूँ। रुको, तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? तुम नियति को बदल नहीं सकती। नियति ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है बहुत अन्याय किया है, पर तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? तुम्हारी भविष्य तुम्हारी हाथ में है। मेरा कोई भविष्य नहीं है, मेरे स्वर्गवासी स्वामी के घर को सेवा करना ही मेरा नियति में लिखा है। मैं आपको विनती करती हूँ, दोबारा और मुझे मत दिखाई दीजिए। सुनिए, ये रेनुका अभी तक आई नहीं, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? माँ, नहीं। अरे जब हमें पता नहीं चला तो उसे कैसे पता चलेगी? अरे उस दिन मैं बैंक गया था, वो भाई का कुछ पैसा जमा था ना उसे निकालने के लिए, पर तब पता चला कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत उसने अपने पत्नी के नाम 2,00,000 रुपए की पॉलिसी करके गया और उसका नॉमिनी ये क्या कोई कम बड़ी बात है? अरे हमने एक साथ 1,00,000 रुपया नहीं देखा और ये कल की आई बहू 2,00,000 रुपए लेके जाएगी और हम क्या हाथ मलते रहेंगे? वही तो, सब आपके जैसे थोड़े ना हैं, पर आपने मेरे लिए ये प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना किया कि नहीं?
तो इसका मतलब है तुम्हें भी 2 लाख रुपया चाहिए? चिंता मत करो, मैंने भी इस योजना के तहत बीमा करवा ली है 2 लाख रुपए की, वार्षिक 330 रुपए प्रीमियम देके। हाँ, लेकिन अभी असल बात यह है कि रेणुका से ये 2 लाख रुपए निकाला जाए कैसे? पर ये होगा कैसे? नॉमिनी के हिसाब से सबसे पहले ये पैसा उसकी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर एक चेक पर उसकी सिग्नेचर करवा के ये पूरा पैसा निकाल लेंगे। अगर उसने आपत्ति किया तो? आपत्ति करने से कैसा होगा, जरूरत पड़ने पर उसकी गला दबाकर भी पैसा निकाल लेंगे, मार देंगे उसको। किसी भी हाल में ये पैसा उसके हाथ जाने नहीं देंगे। क्या समझ के रखी है वो, हमारा भाई का पैसा लेके जाएगी? अरे कैसे मारेंगे तू देखते जा। ये सब मुसीबत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे घर में ही बांध के खाने को कुछ भी नहीं देंगे और अच्छे से मारेंगे पीटेंगे, तो वो डर के मारे खुद ब खुद साइन कर देगी। उसके बाद एक बार ये 2 लाख रुपए हमारे हाथ आ गया तो उसको चरित्रहीन साबित करके घर से निकाल देंगे। हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? आप मुझे यहाँ से लेके चलिए, नहीं तो ये राक्षस मुझे मार डालेंगे। क्या? सब सामान चला गया? जी भैया, सब सामान चला गया, बस ये 2 बचा है। ठीक है, इसे भी भेज दो। भैया ये लीजिए 2 लाख के चेक, मैंने भाभी की नाम कर दिया है। अगर आप लोग एक बार बोल दिया होता तो मेरे पति ने जो बीमा के पैसा मेरे लिए रखा है मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोगों ने ही तो उनको पाल पोछ के बड़ा किया है, इसलिए आप लोगों का हक उन पे ज्यादा है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं करना चाहिए था। बहू, हमें माफ कर दो बहू।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। गलती नहीं, हमसे पाप हुआ है, इसीलिए शायद भगवान ने हमें नीच संतान बनाया। हम पापी हैं, ये जान के ही भगवान ने हमें नीच संतान बनाया। इतने कम उम्र में अपने पुत्र समान भाई खोया। तुम जैसी एक निष्पाप लड़की को बहू के रूप में पाया, लेकिन लालच ने हमें अंधा कर दिया। ये पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये पैसा। ये पैसे में सिर्फ तुम्हारी अधिकार है। देखो तो, तुम्हारी भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेरे स्वर्गवासी भाई ने कितना महान काम करके गया। हाँ, हमारे जैसे साधारण आय के लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना जैसा बीमा भी होता है, ये तो हमें मालूम भी नहीं था। सच में तुम्हारा पति बहुत ही ज्ञानी था। देखो तो, साल में सिर्फ 330 रुपए का बीमा करवा कर उस योजना के तहत तुम्हें 2 लाख रुपए मिले, और हमारी नजर उसके पैसे पे भी थी। भाई की आत्मा जरूर दुखी होगी इस पैसे पर। सिर्फ तुम्हारी अधिकार है, जाओ। इस पैसे से तुम एक नई जिंदगी शुरू करो, नई तरीके से। हम दो पापी तो तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार भी खो चुके हैं। भैया, बस भगवान सुखी रखे। गलती इंसानों से ही होता है, लेकिन अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ना ही अच्छी बात है। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। मैं दीदी के कष्ट को देखकर आप लोगों से बुरा बर्ताव किया, और दीदी का साथ दिया हुआ सामान अपने साथ ले जाने के लिए निकला। मैं अभी आप लोगों को वो सब सामान लौटा देता हूँ। नहीं भाई, ये सब रेणुका का है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। रेणुका, जाओ। सिर्फ कभी हम निसंतान अभागी को अपना समझकर याद कर लेना, हमसे मिलने भी आना, शांति मिलेगी हमें।
पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लान, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम्हारे उपहार। क्या है ये? प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का मेरा पॉलिसी। क्या हुआ? मैं इतना जरूरी चीज तुमको दे रहा हूँ और तुम पगली की तरह हंसी रही हो, क्यों? रुकिए, ये लीजिए। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना की मेरी पॉलिसी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी करने के लिए मैं जो पैसा ढके जाऊंगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यही थी मेरी कहानी। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के उस पैसों से मैंने 10 वेविंग मशीन खरीद ली और लोकल डिजाइन के कपड़ों की उत्पादन कर रही हूँ। और मेरे साथ 9 लड़कियां भी इस वेविंग मशीन में काम कर रही है और अपनी पैरों पे खड़ी है। यही से मैं कोटि प्रणाम करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गरीब निम्न आय की लोगों को भविष्य सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना की प्रवर्तन किया तथा बीमा के जरिए हमें आर्थिक सहायता दिया। फिर भी एक विधवा को अपनी जीवन संगिनी बनाकर मेरे पति ने जो मुझे सामाजिक मर्यादा प्रदान किया है और साथ ही मेरे स्वावलंबी होने की यात्रा में मुझे जो साहस प्रदान किया है, इसलिए मैं मेरी पति की आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भाइयों और बहनों, असल में आज रेणुका और भैरव को आप लोगों के सामने परिचय करवा देने का मेरा उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत कैसे हम अपना जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने सबके परिचित भैरव सैकिया को दो शब्द कहने के लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं क्या बोलूं? हाँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये विनती कर सकता हूँ कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी महिलाओं को असहाय और कमजोर ना समझें। और साथ में ये अनुरोध आप लोगों को कर सकता हूँ कि आप लोगों का खुद का भविष्य सुरक्षित करने के लिए
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के साथ सभी लोग जुड़े रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। भैरव सैकिया को धन्यवाद देता हूँ। और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना हम कैसे और कहाँ करेंगे? किसी भी बैंक में अपने अकाउंट के जरिए 18 से 50 साल के यानी 18 टू 50 इयर्स आयु के लोग वार्षिक 330 रुपए यानी ईयरली 330 रुपीज प्रीमियम देके इस अभिलाषी बीमा योजना के साथ कोई भी जुड़ सकता है। ये बीमा करने से उत्तराधिकारी को कितने रुपए मिलेंगे? इस बीमा के जरिए अगर बीमाकृत व्यक्ति का दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से मृत्यु होता है तो उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000 रुपए मिलेगा। अरे ये तो सच है ना? बीमाकृत राशि मिलने के प्रमाण स्वरूप श्री रेणुका सैकिया जी यही उपस्थित है। और एक जानकारी आपको दे दूं, ये भारत सरकार द्वारा प्रचलित होने के कारण कुछ भी संदेहजनक बात नहीं होना चाहिए। ऊपर से एक रिपोर्ट के अनुसार 24 अप्रैल 2017 तक यानी 24 अप्रैल 2017 तक भारतवर्ष के 3,11,00,000 लोग इस बीमा के साथ जुड़ चुके हैं और 63,767 यानी 63,767 लोगों के उत्तराधिकारी को इस बीमा के धनराशि प्रदान किया गया है। इसके लिए बैंक को कोई दूसरा महसूल देना है? इस बीमा को करने के लिए दूसरा कोई महसूल नहीं देना है। सिर्फ ये याद रखना है, कोई भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट के अधिकारी सिर्फ एक फॉर्म भर के प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का भागीदार हो सकता है। Thank you.